Good morning to all students. How are you all? I hope you all are well. Students, we are doing our chapter Deepa Karmekar. We have already read about something Deepa Karmekar. She was the gymnastic player. Now we will read about other information. So let's see. Deepa worked very hard in so many other ways. Deepa ne bahut work hard kiya bahut tarikon se. Kaise? She did not have the right space to train in or the right equipment to practice on. उसके पास right space नहीं था training के लिए और right equipment भी नहीं थे practice के लिए. In fact, her coach Bisheshwar Nandini used parts of cars and other vehicles to make bars for her to practice on. उनकी कोच जो नंदी थी वो क्या करती थी, कार्स और व्हीकल्स के पार्ट्स यूज़ करती थी बार बनाने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर प्रैक्टिस हर बोन्स एंड मसल्स हर्ट. एंड ऑफ द डे उसकी बोन्स और मसल्स क्या हो जाते थे, हर्ट हो जाते थे. दिस ऑफन मेड हर मूडी एंड हंग्री. और ये जिसको क्या बना देती थी, मूडी और हंग्री. मूडी मीन्स बिकेम अनहैप्पी एंड एंग्री ईजली. मूडी होना क्या होता है, जब आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लग जाए. लाइक मोस्ट चिल्ड्रन दीपा लव्ड आइसक्रीम बट शी कुड नॉट हैव एनी एज शी वॉज पॉज टू ईट हेल्दी फूड. बच्चों की तरह दीपा को भी आइसक्रीम खाना पसंद था लेकिन उसे आइसक्रीम नहीं मिलती थी क्योंकि जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ना बेटा, उनको तो हेल्दी फूड ही खाना पड़ता है. ऑफन शी हैड टू लीव एंड ट्रेन इन स्पोर्ट्स हॉस्टल फार अवे फ्रॉम होम. उसे अपने घर से दूर ही रहना पड़ता था, किस लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए ना, स्पोर्ट्स हॉस्टल में. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज शी ऑल्सो हैड टू राइट हर एग्ज़ाम्स. इसके अलावा वो अपने एग्ज़ाम भी करती थी, अब स्टडी भी तो करनी होती थी ना. दीपा वन मैनी जिमनास्टिक कॉम्पिटिशन दैट शी टुक पार्ट इन. दीपा ने बहुत सारे जिमनास्टिक कॉम्पिटिशन में पार्ट किया. सैडली शी डिड नॉट विन एनीथिंग एट द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स. लेकिन वो कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ भी नहीं जीत सकी. बट शी डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग. लेकिन उसने कोशिश करना बंद नहीं किया. दीपा केम थर्ड एट द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स. 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने कौन सा प्राइज जीता था, थर्ड प्राइज. देखो बेटा ये हमें क्या बताता है कि हमें हार, जो भी हमें हार मिलती है उसे घबराना नहीं चाहिए. अब मान लो आपने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके मार्क्स कम हो जाए तो आप ये घबरा के कि मैं तो अब टेस्ट ही नहीं दूंगा, उसकी बजाय क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट टेस्ट में फुल मार्क्स मिल सके, जैसे कि दीपा ने किया. ओके. एंड द 2015 हिरोशिमा एशियन जिमनास्टिक चैम्पियनशिप. और 2015 में उसने क्या जीता, हिरोशिमा एशियन जिमनास्टिक चैम्पियनशिप जीती. देखो हारने के बाद भी उसने आगे और एफर्ट्स किए और जीतती गई. In 2016, Deepa was ready to show her skills to the world at the Olympics in Rio de Janeiro. 2016 में Deepa ready थी किसको, अपनी skills दिखाने को world को Olympic game में. Olympic game कहाँ हुए थे, Rio de Janeiro में 2016 में. She was going to do the Prodnova वॉल्ट. उसने क्या किया, प्रोडनोवा वॉल्ट किया. प्रोडनोवा वॉल्ट बेटा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और डेंजरस जिमनास्टिक का मूवमेंट है जो उसने किया. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल था. एंड ओनली फोर अदर वुमेन इन द वर्ल्ड हैड बीन एबल टू डू इट सक्सेसफुल. केवल फोर ही अदर वीमेन्स हैं जिसने ये करने में सक्सेसफुल हो पाई हैं. दीपा डिड इट, लेकिन दीपा ने ये किया. दाओ शी मिस्ड विनिंग अ मेडल बाई जस्ट 0.15 पॉइंट. वो सिर्फ 0.15 पॉइंट से हार गई लेकिन उसने कोशिश बहुत की. शी डिड सो वेल, उसने बहुत अच्छा किया. दैट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वर अमेज्ड, पूरे वर्ल्ड के लोग बिल्कुल अमेज्ड हो गए थे वो देख के जैसा उसने मूवमेंट किया था. शी हैज़ वन इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स लाइक द खेल रत्न एंड द पद्मश्री. उसे एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स मिले थे, कौन कौन से, खेल रत्न और पद्मश्री. बेटा अब ये खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड क्या होते हैं, खेल रत्न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड गिवन टू द स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया. ये स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो इंडिया में बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है. और पद्मश्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है
जो कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है इंडिया का, हु हैव डन ग्रेट थिंग्स, जो बहुत ही ग्रेट थिंग्स करते हैं उनको, आफ्टर हर वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में अपने वंडरफुल परफॉर्मेंस के बाद दीपा वन द गोल्ड मेडल इन द FIG आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप। दीपा ने गोल्ड मेडल FIG आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप जीता, हेल्ड इन जुलाई 2018, जो कि जुलाई 2018 में हुआ था इन तुर्की, कहाँ हुआ था, तुर्की में। शी कंटिन्यूज टू मेक इंडिया प्राउड, उसने इंडिया को कंटिन्यूस प्राउड फील कराया। देखो कितने उसने अपनी कंट्री के लिए वर्क किया जिससे कंट्री प्राउड फील कर सके। थिंक बेटा, दीपा हैड टू गिव अप आइसक्रीम टू बी अ बेटर जिमनास्ट, उसे एक बेटर जिमनास्ट बनने के लिए आइसक्रीम छोड़नी पड़ी। वुड यू बी एबल टू गिव अप समथिंग दैट यू लव्ड इफ इट मीन दैट यू कुड बी बेटर एट समथिंग एल्स, क्या आप भी कोई ऐसी चीज़ छोड़ सकते हो जो आपको बहुत अच्छी लगे ताकि आप किस चीज़ में बेटर फील परफॉर्म कर सको, बताओ। थिंक करके फिर मैम को बताना, ओके बच्चा। मैम आपका इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे, द लोस्ट कैमल का, कब, 9 दिसंबर को, सो यू हैव टू स्टार्ट द रिवीजन, तो आप अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।